शुरू कर रहे हैं नया बिजनेस तो स्टेप बाई स्टेप जाने अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन करने का तरीका। जाने अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। जब से कोरोना काल में लॉकडाउन लगाया गया है पूरा देश अपने घरों में कैद हो गया था। लोगों की नौकरियां छूट गई थी। अप्रवासी श्रमिकों के देश भर से पलायन की स्थिति को देखते हुए सभी के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया था। अब अनलॉक होने के बाद भी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका मंडराती रहती है। तब सभी लोगों के समक्ष एक नया सवाल सामने आ गया है कि रोजी रोटी कमाने का एक सुरक्षित तरीका क्या होना चाहिए। इस पर विचार करते समय प्रत्येक व्यक्ति की कोशिश यही होती है कि छोटी मोटी दुकान खोलकर अपना काम अपने घर में या घर के आसपास करना चाहिए। घर के आसपास दुकान करने का आइडिया बहुत अच्छा है। हाउ टू रजिस्टर योर बिजनेस, लाइसेंस कैसे बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एमएसएमई विभाग में दुकान का लाइसेंस कराया जाता है। दुकान का लाइसेंस बनवाने के लिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006 के तहत दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी होता है। दुकान का रजिस्ट्रेशन बनवाने के लिए एमएसएमई के पोर्टल पर जाएं। इस वेबसाइट udyamregistration.gov.in/government-india/ministry-msme-registration.htm पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लंबे चौड़े कागज की भी जरूरत नहीं होती है। इसमें केवल आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा। आधार कार्ड के आधार पर आपकी दुकान का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने के बाद सरकार की ओर से आपको एक ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसके बाद आपके आय व्यय और टैक्स भुगतान आदि की जानकारी सरकार आपके आधार कार्ड के बेस पर स्वयं कर देगी। इससे आपको सरकार से मिलने वाले अनेक फायदे हासिल हो सकते हैं। ऑनलाइन लाइसेंस स्वयं कैसे बनाएं? सबसे पहले आप एमएसएमई पोर्टल को अपने मोबाइल पर खोलें। वहां आपको न्यू एंटरप्राइजेस का बटन दिखाई देगा जिसे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आधार नंबर मांगा जाएगा और उसके वेरिफिकेशन के लिए आपके द्वारा दिए गए फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इस पेज पर आपको दो बॉक्स दिखाई देंगे। इनमें से पहले बॉक्स में आपसे आधार संख्या मांगी जाएगी। जिसके नाम से बिजनेस शुरू किया जाना है उसके नाम का आधार कार्ड नंबर भरना होगा। दूसरे बॉक्स में आधार कार्ड नंबर वाले व्यक्ति का नाम भरना होगा। इन दोनों बॉक्स के पास एक सही के निशान वाले बॉक्स पर टिक लगाकर वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जहां आपसे ओटीपी के बारे में पूछा जाएगा। इस आधार के साथ जो मोबाइल फोन नंबर ऐड है उस पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी नंबर को डालकर आपको अगले स्टेप में जाना होगा। आपको इस पेज में बिजनेस से संबंधित मांगी गई जानकारी भरनी होगी। सोशल कैटेगरी, जैसे आप किस जाति वर्ग से हैं, कहीं आप आरक्षित श्रेणी से तो नहीं आते। यदि आते हैं तो उस पेज में दिए गए जनरल एससी एसटी ओबीसी ऑप्शंस में से आप जिस वर्ग में आते हैं उसके सामने क्लिक कर दीजिए। जेंडर, आप महिला या पुरुष हैं तो मेल फीमेल देखकर अपने जेंडर वाले बॉक्स पर क्लिक करें। फिजिकली हैंडीकैप्ड, आप अगर दिव्यांग हैं यानी विकलांग हैं तो क्लिक करें, अन्यथा उसे यूं ही छोड़ दें। एंटरप्राइज का नाम, अपनी दुकान का नाम डालिए। ऑर्गेनाइजेशन की श्रेणी, आप किस तरह के फर्म बनाकर बिजनेस चला रहे हैं उसको भर दीजिए। जैसे सोल प्रोप्राइटर, वन मैन कंपनी, पार्टनरशिप, एलएलपी, कोऑपरेटिव, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड आदि। पैन कार्ड, दुकान के मालिक के पैन कार्ड नंबर की जानकारी दीजिए। लोकेशन, आपको दुकान का पता डालना है। ईमेल आईडी, दुकान के मालिक की ईमेल आईडी डालें, इसी पर आपका प्रमाण पत्र आएगा। मोबाइल नंबर, अपना वैध मोबाइल नंबर डालें। बैंक डिटेल, आपको अपने बैंक की सारी डिटेल भरनी होगी, जैसे आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, अपना नाम, खाते की श्रेणी आदि। इसके बाद जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करके एप्लीकेशन पूरा करेंगे उसके कुछ समय बाद आपकी ईमेल आईडी पर लाइसेंस आ जाएगा। आप अपनी ईमेल खोलकर प्रमाण पत्र देख सकते हैं और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। दुकान का लाइसेंस बनवाने के कौन कौन से फायदे हैं? यदि आप एमएसएमई अधिनियम के तहत अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराते हैं तो आपको सरकार की ओर से जारी होने वाली एमएसएमई से संबंधित योजनाओं का लाभ मिल सकता है। इससे मिलने वाले अन्य सभी लाभ इस प्रकार हैं। आपको सबसे पहला लाभ ये होगा कि रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपके पास अपने बिजनेस, दुकान या फिर संस्थान के मालिकाना हक का सरकारी प्रमाण पत्र मिल जाएगा। व्यापार में लेन देन के लिए जब आप बैंक में करंट अकाउंट खोलते हैं तो आपके इस रजिस्ट्रेशन से खाता जल्दी खुल जाता है और उसके लिए भले ही अन्य दस्तावेज भी देने होते हैं लेकिन बिना लाइसेंस वाले व्यापारी और आम आदमी की अपेक्षा आपका खाता जल्दी खुल जाता है। सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं का सबसे पहले लाभ उन दुकानदारों को मिलता है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराकर प्रमाण पत्र लिया होता है। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन एक बार ही करवाना होता है। ये रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम होता है यानी आजीवन होता है।
आपको दोबारा ना तो इसका रिन्यूअल कराना होता है और ना ही इसके लिए किसी और तरह की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। आपको अपने बिजनेस के विस्तार के लिए किसी बैंक या वित्तीय संस्थाओं अथवा सरकारी संस्थाओं से लोन लेने की जरूरत होती है, तो आपको ये लोन आसानी से मिल सकता है। कभी कभी तो सरकार द्वारा कम ब्याज दर पर लोन भी आपको आसानी से मिल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रजिस्ट्रेशन बिना किसी भागदौड़, किसी सरकारी अधिकारी की खुशामद या फिर रिश्वत दिए बिना ही कुछ ही समय में हो जाता है। इसमें आपसे किसी तरह के कागजात को अपलोड करने को नहीं कहा जाता। आपसे ना तो पहचान पत्र मांगा जाता है और ना ही पते का प्रूफ मांगा जाता है, ना ही पैन कार्ड मांगा जाता है। आधार कार्ड नंबर से किए गए रजिस्ट्रेशन के आधार पर आपको जीएसटी और पैन कार्ड आदि को कनेक्ट भी नहीं करना होता। एमएसएमई विभाग द्वारा ये सारी कार्रवाई अपने आप ही की जाती है। बहुत से लोग सरकार द्वारा की जाने वाली इस तरह की कार्रवाई से डरते हैं। उनका कहना है कि वो सरकार से कुछ भी नहीं छिपा सकते, इससे उनकी प्राइवेसी या निजता भंग होती है। इस रजिस्ट्रेशन से सरकार द्वारा आपके संस्थान और बिजनेस की जानकारी मांगी जाती है। इस प्रकार रजिस्ट्रेशन सभी दुकानदारों के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा यदि आप अपनी दुकान थोड़ी बड़ी खोलते हैं और उसमें काम करने के लिए कर्मचारी और सहायक आदि रखते हैं, तो उसके लिए आपको शॉपिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार की व्यवस्थाओं के तहत कराना होता है। प्रत्येक राज्य में इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अलग अलग नियम और प्रक्रिया अपनाई जाती है। आपको अपने राज्य के संबंधित लेबर विभाग से संपर्क करके आपको अपने संस्थान का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इस तरह के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको विभाग द्वारा मांगे गए कागजात पेश करने होते हैं। निर्धारित फॉर्म भरा जाता है और वहां से आपको अपनी दुकान या संस्थान के लिए एक सरकारी नंबर मिलता है, जिसके तहत आपके संस्थान और दुकान की समस्त सरकारी कार्रवाई की जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।